विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अगर आपके पास एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन जरूर होंगी अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है तो आप उनको समय समय पर अपडेट करते रहिए होगा क्या अगर आप अपने मोबाइल में समय समय पर एप्लीकेशन को अपडेट करते रहेंगे तो आपके मोबाइल की एप्लीकेशन में जो भी नए फीचर होंगे वो आपको मिलते रहेंगे इसके साथ ही कभी कभी आपके मोबाइल की कैमरा एप्लीकेशन खराब हो जाती है आपके फोटो सही तरीके से क्लिक नहीं हो पाते हैं तो इन सभी की प्रॉब्लम यही होती है कि आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करते रहिए तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं अगर आपको तो आप है, तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अपने मोबाइल में अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर वाले एप्लीकेशन पर जाना होगा ये देखिए मैं अपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ चुका हूँ प्ले स्टोर में आने के बाद सबसे पहले हम प्ले स्टोर वाले ऑप्शन पर एक बार करेंगे इसके बाद आपके सामने आपका नाम का जो लोगो होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है जैसे की आप इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा मैनेज गूगल अकाउंट और यहाँ पर जो आपकी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो अब हमें करना है सिर्फ अपने मोबाइल की एप्लीकेशन को अपडेट तो इसके लिए हमारे पास एक नीचे ऑप्शन है मैनेज एप्स एंड डिवाइस वाला हम क्या करेंगे इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और जैसे कि हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आ जाएगा मैनेज एप्स एंड डिवाइस इसके नीचे हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम अपडेट पर क्लिक करेंगे और जैसे कि हम अपडेट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारे सभी मोबाइल की एप्लीकेशन आ जाएंगी जिस, जिस में भी अपडेट होने वाला है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ड जीमेल गूगल और भी कई तरीके की आपकी ऐसी होंगी जिनको अपडेट चाहिए होगा अगर आप उन्हें कभी भी अपडेट नहीं करते हैं तो इससे होता क्या है आपके मोबाइल के आपको जो नए फीचर होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं और आपको लगता है की ये मेरे मोबाइल में सही तरीके से एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है इसीलिए आप समय समय पर अपने एप्लीकेशन को भी अपडेट करते रहिए तो एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है से कि हम अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर पेंडिंग लिख के आ रहा है और थोड़ी ही देर में हमारी मोबाइल की एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी ये आपके मोबाइल के इंटरनेट डाटा पर निर्भर करता है कि आपके मोबाइल की स्पीड कितनी आ रही है थोड़ी देर में जब आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी तो आपको अपने मोबाइल की एप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे अगर दोस्तों आप अपने मोबाइल की सभी एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अपडेट ऑल वाला तो आपको क्या करना है जैसे कि यहाँ पर आप अपडेट ऑल पर क्लिक करेंगे ये आप देख सकते हैं आपके सभी एप्लीकेशन यहाँ पर अपडेट होना शुरू हो जाएंगी लेकिन दोस्तों याद रखें अगर आप सभी एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे एक साथ तो आपके मोबाइल का डाटा बहुत ज्यादा खर्च होगा तो इस बात का भी आप ध्यान रखें इसीलिए आप एक एक करके अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करते रहे जिससे की जो भी आपकी इंपोर्टेंट एप्लीकेशन होगी वही अपडेट होती रहेगी तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन की एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं चाहे आपके पास रेडमी का फोन हो एम का हो शाओमी का हो सैमसंग वीवो ओप्पो किसी भी कंपनी का हो सभी का बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही होंगे अपने किसी भी मोबाइल की ओर एप्लीकेशन को कैसे अपडेट करें तो अपडेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें चलिए मिलते हैं अगली इसी नई वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग